हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। तो देखिए हमारा क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है। आफ्टर सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ सम एंड अमाउंट बिकम्स 5:6। तो हमें जो है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया गया है कितना, 5:6। ये हमें रेशियो दिया गया है आफ्टर सर्टेन टाइम, ये नहीं बताया कितने समय के बाद, आफ्टर सर्टेन टाइम दे रखा है। अब हमसे बोला गया आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो बिकम्स 1:2। तो देखिए रेशियो जो है वो 1:2 हो जाता है 8 ईयर्स के बाद। तो यानी के आफ्टर 8 ईयर्स जो हमारा रेशियो है वो बन जाता है 1:2 का। और हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल है वो 5 है और अमाउंट 6 है। तो यानी इंटरेस्ट कितना मिला हमें, एक रुपये का इंटरेस्ट मिला कितने पर, 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर। तो हमारा SI यहाँ पर निकल जाएगा। SI कितना हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा 20%, यहाँ पर जो है 20% है। और यहाँ पर देखिए कितना होगा, इसी तरह से यहाँ पर सोल्व करेंगे तो एक जो हमने 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी वो 2 बन गए। तो मतलब कितना फायदा जो हमें इंटरेस्ट जो हुआ है वो कितने इंटरेस्ट कितने का मिला है, 1 रुपये का। कितने के इन्वेस्टमेंट पे, 1 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो है SI वो 100% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में गैप होगा वो कितना होगा, 80%। जो इंटरेस्ट है वो 80% है कितने में, 8 सालों में। तो देखिए 8 सालों में अगर 80% मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा 80% है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का हमारा निकल जाएगा 10%। ये जो 10% होगा यही हमारा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा रेट हो जाएगा 10%। यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें रेट निकालना था, रेट हम निकाल चुके हैं। अब देखिए एक बार दोबारा समझते हैं, हमें दिया गया है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो देखिए 5:6 दे रखा है और बोला गया है आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो जो है वो बन जाता है 1:2। तो देखिए जब 5:6 का रेशियो है तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का है, 5 रुपये का, और हमें मिलते कितने हैं बाद में, 6 रुपये। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपये का, तो 1 इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। कितने के इन्वेस्टमेंट पे, 5 के इन्वेस्टमेंट पे, तो ये नीचे आ जाएगा × 100। तो देखिए 20% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लग रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसमें हमें लगाना होगा सेम इसी तरह से, 1 रुपये जो है वो हमारे 2 बन जाते हैं। तो मतलब इंटरेस्ट कितने का मिला, 1 रुपये का, वो ऊपर आएगा। कितने के इन्वेस्टमेंट पे, 1 के इन्वेस्टमेंट पे, तो वो नीचे आएगा × 100। तो 100% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच का हमें गैप निकालना होगा। सेकंड स्टेप हमारा ये है, 80% हमारा गैप निकल गया, 20% है यहाँ पे, 100% है। तो गैप कितना हुआ, 8 ईयर्स में कितना मिला, 80% जो है हमारा डिफरेंस। तो 8 ईयर्स में अगर 80% है तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 10%। तो यही हमारा निकल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है जो हमारा रेशियो दिया गया है प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच, वो दिया गया है 4:5, और 3 सालों के बाद जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा हमारा 5:7। ये हमारा जो होगा वो आफ्टर 3 ईयर्स होगा। तो देखिए जब हम 4:5 वाले को बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट मिला है वो कितने का मिला है, 1 रुपये का। कितने की इन्वेस्टमेंट पे, 4 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे। तो जो हमारा निकलेगा ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 25%। अब अगर हम बात करें सेकंड केस की, तो देखें यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिला है वो कितने का मिला है, 2 रुपये का मिला है। 5 जो हमें 7 होके मिल रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 2 रुपये का हुआ। कितने की इन्वेस्टमेंट पे, 5 की इन्वेस्टमेंट पे। तो जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 40%। अब देखें इन दोनों के बीच का अगर गैप देखा जाए तो ये कितना है हमारा, 15%। तो यानी कि 3 साल में हमें कितना मिलता है, 15%। तो 1 साल में क्या हो जाएगा, 1 ईयर के लिए हो जाएगा हमारा 5%। 3 सालों के लिए 15, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 5%। अब ये जो हमारा 5% निकला है यही हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5%। ये हमारा रेट निकल के आ चुका है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं जिसमें रेशियो दिया गया हो प्रिंसिपल और अमाउंट का, और आपको बीच में टाइम गैप दिया हो। तो आप टाइम गैप के यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, उसका जो रेट है वो निकाल सकते हैं। थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी अभी, उसे क्लियर करने के लिए क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए इसमें हमसे बोला गया है जो हमारा रेशियो है
वो कितना है, 5:6 दे रखा है हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:6 दे रखा है। बोला गया आफ्टर 6 ईयर जो रेशियो जो है वो 6 साल के बाद बन जाता है 2:3, गैप जो है वो हमें दे रखा है 6 ईयर्स का। तो देखें यहाँ पर हमें निकालना होगा सबसे पहले, तो जो हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ये हमारा एक तरह से जो इंटरेस्ट का रेट है वो हम ही निकालते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पर, ये प्रेजेंटेशन का मेथड है, सिर्फ आपको आंसर बताना होगा एग्जाम में, ऐसे सॉल्यूशन तो करना नहीं होगा, तो वो आपके ऊपर आप किस तरह से करते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट हमें मिला है 1 का, कितने की इन्वेस्टमेंट पे, 5 की इन्वेस्टमेंट पे, तो ये हमारा कितना परसेंट आता है यहाँ से, 20%। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 2 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, 3 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो 1 का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट जो है जो ब्याज है वो 1 रुपये आपको मिल रहा है, कितने की इन्वेस्टमेंट पे, 2 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे, तो कितना परसेंट हो गया यहाँ पर, 50%। अब देखिए अगर इन दोनों के बीच में गैप की बात की जाए तो कितने परसेंट का गैप है, 30% का, और ईयर गैप कितना है, 6 ईयर्स का। तो देखिए 6 ईयर्स का जो हमारा रेट मिलता है वो कितना मिलता है, 30%। तो 1 ईयर का कितना मिल जाएगा, अगर 6 ईयर का 30 है तो 1 ईयर का हमें मिलेगा 5%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल के आया है वो हमारा आ गया 5%, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई भी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने में डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।